वंदे मातरम आप सभी को वेलकम टू माय स्टडी पाच चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो हमारे एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन जिसे हम संपूर्ण त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका यदि हम नाम कर दें त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम इसको थीटा मान लें तो कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम देखते हैं। यह किस तरीके से काम करती हैं, जैसे यह हमारे थीटा से इसको हम मेजर करेंगे ये चीज़ कितनी होती है। अब ये देखिए, ये जो साइड है, जो इसकी भुजा आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, अर्थात वो परपेंडिकुलर आ रही है, लंब के अकॉर्डिंग आ रही है। तो यह एक लंब बना रही है जिसे एंगल 90 डिग्री हम मेंशन करते हैं। अब यह थीटा के जो सामने है ये एक होगा लंब, लंब और संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। ये हुआ कर्ण, जो इनके अलावा जो भुजा बचती है उसको हम बोलते हैं आधार। लंब को हम हाइपोटेनियस, आधार को बेस एंड कर्ण को लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं पी, आधार को बेस के नाम से भी जानते हैं जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे एच के नाम से जानते हैं। अब हम यदि इस पर एक क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लंब की मान दिया गया है 4 यूनिट, आधार दिया है हमारा 3 यूनिट, यूनिट को इकाई के बिना से जानते हैं। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को बेहतरीन तरीके से यूज करें तो हम कुछ जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस यह क्लास 10th में भी है, आप तक आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके अनुसार होता है जो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से होता है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण को अगर हम एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो कर्ण का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, बेस कितना है हमारा 3 यूनिट यहाँ पे लिख दिए, ये 16 आएगा, ये 9, ये 25 आएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना, निकाल लेते हैं। तो कर्ण को निकालेंगे तो ये अंडर रूट वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा, 5 × 5 5 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 5 यूनिट आ गया, कर्ण का मान आ गया हमारा 5। अच्छा तो हम तुरंत त्रिकोणमिति प्रमुख पात निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार से होते हैं। यह देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब टे कर्ण, ये अब तक हम याद कर रहे होंगे, ये अब तक हमें याद आ गया हो गया बच्चों। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये देखिए लंब आपका कितना है 4, कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार आपका मेंशन है 3 यूनिट, कर्ण हमने अभी निकाला है 5। अब आ गया हम टैन निकालेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, चलिए ये भी लिख देते हैं, लंब आपका दिया है 4, ठीक है, और ये हो गया 3 आ गया। अच्छा इसमें इसी संबंधित इस साइन थीटा के रेसिप्रोकल उल्टे वाला कोसेक को निकालेंगे, कोसेक थीटा, यह हमें पता है कि ये उसका उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान यहाँ पे रख देंगे, कर्ण का मान कितना है भाई, कर्ण का मान है 5 और लंब है हमारा 4। अब हम कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा वाला जो होता है कॉस उल्टा सेक थीटा होता है, सर आप लोग सेक थीटा का मान रखेंगे, सेक थीटा होता है इसको उल्टा होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण का मान है 5, कर्ण का मान है कितना, कर्ण का मान है 5 और आधार है आपका 3। अब टैन जो होता है टैन थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है कॉट थीटा का भी मान रख देंगे, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है,
अब हम उसकी वैल्यू को रखेंगे जी, तो ये देखिए 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के जो स्टार्टिंग का यूनिट है एनसीईआरटी में वो दिया है बच्चों 8.1, ओके। एंड वो जो मनोहर की जो बुक है उसमें आपको 8A करके दिया है। ये स्टार्टिंग के जो 10-12 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप उसमें से इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, पहले तो उस पर भी निकालेंगे कर लेंगे। हाँ एक चीज़ और है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आपको जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई 5 बाप से पूछ रहा है कि अन्य अनुपातों को बताइए, तो आपको थीटा ये मानना होगा, वैसे आप ये भी मान सकते हैं, चॉइस इज योर। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, अब तक आप लोग ने ये समझ गए होंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री होगा ही होगा, आप इसको केयर कर लीजिएगा। यहाँ से मानने का बेनिफिट ये मिलता है बच्चों, ये देखिए यहाँ से इस साइड से एक लंब जो ड्रॉ करते हैं विजिबल होता है कि भाई यही मेरा लंब है, परपेंडिकुलर है, तो हमें मशक्कत हमें इजी टू कन्विंस होता है, कंफर्ट हम होते हैं यहाँ पे। अब हम कॉस थीटा बराबर यहाँ से यह निकाल लेते हैं, और कॉस थीटा के हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार तो ये हो जाएगा क्योंकि लंब जब हम इसको ऑलरेडी पता हो गया तो ये आधार होगा, और ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो फिक्स्ड है कर्ण, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे और केयर कीजिएगा, यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे सॉरी सॉरी देखिए 3/ ये तो वैल्यू हमें गिवन है 3/5। अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये कॉस थीटा बराबर दिया है 3/5, आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटरी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक जो वैल्यू 1, 2, 3 के रेंज में आती हो, पॉजिटिव बोला गया है यहाँ पे, तो आप इसको लेते हैं 3 के/5 के, ये हो जाता है 3 के/5 के। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इम्प्रेशन एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, और आगे आपका जो ग्रोथ होगा मैथ में और समझ मैथ की जो समझ होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं XYZ, बस इसको मेंशन किया जाता है, नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे अगर इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम तो हमारा जो आधार हो जाएगा 3 के हो जाएगा, कर्ण हमारा 5 के हो गया। अब हम लंब निकाल सकते हैं, लंब इससे निकाल ही सकते हैं, तो लंब का स्क्वायर होता है वो होता है डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है 5 के स्क्वायर, मतलब 25 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार आधार बच्चों देखिए आधार है आपका 3 के स्क्वायर, 3 3 के 9, 9 के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम लंब निकाल लेते हैं, लंब बोले तो परपेंडिकुलर पी, यहाँ से √16 के स्क्वायर आ जाएगा, और फाइनली ये होता है 4 के, अर्थात हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं 4 के। अब यहाँ पे जो अन्य अनुपात है उसको भी बढ़िया साइन से निकाल सकते हैं, साइन थीटा तो देख के ही बता सकते हैं, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण 4K/5K, ये आ जाएगा 4/5। उसी प्रकार से हम आगे भी निकाल लेंगे। अब टैन थीटा पर लंब बटे आधार, लंब है आपका 4K/3K, 4K/3K, 4/3। अब हम इसी प्रकार से टैन हो गया, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा को भी हम निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक जो थीटा होता है वो कॉस थीटा को उल्टा होगा, और कॉस थीटा आपको यहाँ पे दिया है 5/3। आपको अगर धीरे धीरे ये सब चीज़ें याद होने लेंगी तो बड़ी आसानी से आप उन चीज़ों को निकालना सीख लेंगे। बस यही ABC समझ लेते त्रिकोणमिति का,
आप बहुत आसानी से निकालना सीख जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इसमें आ जाएगा और ये नंबर बहुत दिखे जाएगा 11 बार। ये आगे फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम क्या निकाल देते हैं, सेक टीटा। हाँ, कोसेक टीटा हमारा बच्चा है जी, और ये साइन टीटा उल्टा होता है, डिफरेंस इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ से आप 5 के / 4 के रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है कोसेक थीटा की 5/4। एक और क्वेश्चन करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे और बेहतरीन तरीके से भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए पहले, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसके बारे में आज हम प्रूफ कर देंगे। फिलहाल तो ये कॉस ए कितना वैल्यू दिया है, साइन बी का अलग। अब आपको समझना है इस चीज़ को, आपको वन बाई वन समझाऊंगा कैसे चीज। ये देखिए, इसको हम एक ट्रायंगल लिए, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अब आपको ये पता है कि ये इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। यहाँ पे हम एंगल ए मान लेंगे, ए एम एन, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर 1/√2, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कॉस ए बराबर 1/√2। अब आपको ये भी पता है कि कॉस की वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है, बेस बाई हाइपोटेनियस होती है। अब आप इसको यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा K/√2 K। अब इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लंब हो जाएगा हमारा, ये सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगी, और ये जो होगा हमारा आधार हो जाएगा। अब हम लोग बताते हैं कि हमारा लंब कितना है, लंब तो अभी निकालेंगे ही, लंब को हमें निकालना है। आधार, आधार हमारे पास है वो इसकी मान है कि कर्ण हो जाएगा √2 K। पाइथागोरस प्रमेय को जब अप्लाई करते हैं तो कुछ बनता है इस प्रकार से, लंब का स्क्वायर, विजिबल नहीं होगा मैं समझ रहा हूँ, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दे रखा है √2 K, आधार है आपका के स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 K² माइनस के स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब यहां से आपका लंब आ जाएगा, के आ जाएगा, लिख देंगे हमारा लंब के है। अब इसके बाद हम लोग साइन ए, हम लोग कॉस ए दिया ही है, ये रहा मेरा कॉस ए की वैल्यू। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे साइन ए निकाल लेंगे, जो हमारे लिए यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। साइन ए निकाल लेंगे, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब है के, √2 K हमारा कर्ण। अब हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ये से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की, ये तो हमें मेंशन ही है। अच्छा जी, अब हम एक और एंगल बनाते हैं साइन बी के लिए, जिससे हमारी समझ बन जाएगी, अच्छी खासी बन जा सकती है, जिससे हमारी एक समझ और अच्छी बन जाएगी। एक ट्रायंगल बना लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएं, BPQ, ये तो हमको पता ही है ये 90 डिग्री होगा ही। अब इसके लिए देखेंगे, ये हमारे लिए लंब हो जाएगा, ये हमारे लिए लंब है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये आधार हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें भी दिया है साइन बी बराबर √3/2, ठीक है, √3/2 अभी के ले लेते हैं √3 K/2 K। तो यहां से लंब की वैल्यू जो हो जाएगी, लंब बटे कर्ण 3 K, यहां पे हमारा लंब हो जाएगा
रूट थ्री के कौन हो जाएगा, टू के। तो हम आधार का स्क्वायर निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वैल्यू डालेंगे रूट थ्री के को रखते हुए स्क्वायर करेंगे, लंब है हमारा टू के, सॉरी यहाँ पे हमारा कर्ण है टू के का स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर फाइनली के स्क्वायर, इसका नाउ। अब यहाँ से हमारा आधार आ जाएगा जो बेस होता है जिसे बोलते हैं वो रूट के स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनली के, आधार हमारा कितना आ गया, के आ गया, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। अब हम इसको मेंशन कर देंगे कितना है, के है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास क्या मान है, साइन बी का मान दिया है, तो हमें बस क्या मान निकालना है, हमें बस कॉस बी वही निकालना होगा, कॉस बी दिया है, कॉस बी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जरा देखिए कॉस पर वो होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बी को हम लिख देंगे, आधार कितना है के है, कर्ण कितना है टू के है, ये आ जाएगा वन बाई टू, देख लीजिए वन बाई टू आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू हमें मिल गई हैं तो हम बहुत आसानी से इनका मान निकालेंगे, निकाल लेते हैं, कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं। हाँ जी, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है वन बाई रूट टू, साइन ए का मान यहाँ से रख देंगे वन बाई रूट टू, डॉट मतलब गुणा ही होता है। चलिए कॉस बी, अभी हम लोगों को कॉस बी यहाँ से निकाले हैं, यहाँ राइट हम वैल्यू रखेंगे वन बाई टू, अच्छा जी प्लस है तो प्लस, अब क्या बचा कॉस ए, कॉस ए दिया है, देखिए देखिए दिया है ना वन बाई रूट टू, और लिख लेंगे वन बाई रूट टू इंटू यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन बी, साइन बी इसे ये भी दिया है, देखिए ये है रूट थ्री बाई टू, अब बस मल्टीप्लाई करना है, वन वन टू वन टू रूट टू प्लस वन इंटू रूट थ्री, रूट थ्री क्योंकि वन से किसी संख्या में गुणा करने पे वो संख्या यही की यही आती है। अच्छा जी टू इंटू रूट टू, टू। अब ये देखिए अब हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं, वन बाई टू रूट टू, वन प्लस रूट थ्री आ जाएगा और यही हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन आपके मनोहर में क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी क्वेश्चन अपने आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरू करेंगे, cos a बराबर 4/5 दिया है, अब हमें यह प्रमाणित करना है कि इसके बराबर इतना होता है, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसके इसी चीज़ को वेरीफाई करना है, प्रमाणित करना, सिद्ध करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें भी एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बड़ा सिंपल है, चलिए देख लीजिए ये डायग्राम है, इसको ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी जो है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो बी का मान 90 डिग्री होता है। अब दे रखा है कॉस की मान दे रखा है, कॉस बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, अब ये दे रखा है 4k/5 के बराबर 4/5 आता ही है, ये पता ही है, हम लोग इसको ले लिए हैं। अब ये देखिए आधार का मान दे रखा है, ये आपका आधार है 4k, कर्ण का मान दे रखा है 5k, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आधार निकालना ही होगा, आधार इस केस में रिक्वायरमेंट है, चलिए आधार भी निकाल लेते, गलत लिखा गया है माफ़ कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हुए अब डायरेक्ट हम लंब में निकालना ही है तो हम लंब को लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर जो होता है, हाँ जी वो होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण आपका दिया है 5k का होल स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर 25 माइनस 16 9k स्क्वायर। अच्छा फाइनली हम लॉग निकाल लेते हैं जो 3k आता है, हम यहाँ पे इसको बता भी देंगे कि हमारा यह आ गया है,
अच्छा, तो हम अन्य वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जैसे पुट अप करना है, टेन ए, टेन निकालना है। अच्छा जी, टेन ए निकालने के लिए चलिए निकाल लेते हैं टेन ए को भी। टेन ए, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार, तो टैन ए का यहां से आ जाएगा 3 के बाई 4 के, फाइनली ये आ गया 3/4। ये कौन है, टैन ए आ गया। अच्छा, तो अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे आ गए हैं, इसको हम बायां पक्ष बोलेंगे, बायां पक्ष को हल करेंगे। ठीक है, बायां पक्ष को हल करके देखते हैं क्या होता है, जरा धैर्य के साथ बने रहिए और देखते रहिए। बायां पक्ष, बायां पक्ष, ये थोड़ा सा कलर मैं लेना चाहूँगा, बायां पक्ष वो हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए इसको करते हैं, टैन ए 1 + tan² ए, यहाँ पे वैल्यू सीधे सीधे रख देंगे, वैल्यू रख दे रहे हैं, देखिएगा टैन ए का मान दिया है 3/4, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये देखिए 3/4, 1 + 9/16। अच्छा जी, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3/4 16 ÷ 9/16। अच्छा जी, इसको और अच्छे से देखेंगे, प्लीज कॉपरेट कीजिए। ये देखिए, अब यहाँ इसको लिखना चाहेंगे 3/4 3/4 16 ÷ 9, 25 25 by 16। अब हम एक अच्छे और तगड़े रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, फाइनली 3/4 × 16/25, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, देखिए 12/25, 12/25 कम्स नाउ दैट ईयर। अब हम देखते हैं दायां पक्ष में कितना रिजल्ट आता है और फिर कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे दायां पक्ष को देखेंगे, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। दायां पक्ष को लेने पे मतलब राइट हैंड साइड को हम ऑब्जर्व करेंगे कितना आ रहा है, दायां पक्ष को लेने पे देखेंगे राइट हैंड साइड, और इसकी वैल्यू को हम देखेंगे। इससे पहले हमें कुछ रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। साइन ए सेक ए, अच्छा साइन ए, साइन ए, हाँ कॉस से दिया तो हम इसे सेक सेक निकाल सकते हैं, सेक ए यहाँ से आ जाएगा 5/4, क्योंकि ये इसका रिसिप्रोकल होता है। अब कॉस ए बस निकाल, साइन ए निकालना है, साइन ए भी निकाल ले रहे हैं, साइन ए जो होगा लंब बटे कर्ण 3 के / 5 के, किसके क्या जाएगा 3/5 आ जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, और क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ यह इम्पोर्टेंट है, दोनों को अपनी जगह रख देंगे और कंपेयर कर लेते हैं, क्या भाई बात बन रही है कि नहीं। साइन ए का वैल्यू अपने यहाँ से निकल कर रहा है 3/5, यहाँ से आप देख सकते हैं 3/5। अच्छा जी ओके, ये इसकी वैल्यू निकल के आ रही है से के, अच्छा ये रहा से के हमारा 5/4। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, अब धैर्य के साथ देखिए, किसी को इसमें दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो या उसको सॉल्व करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद, कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे वो भी मटेरियल आप देखते रहिएगा। 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25, ये 12/25। अच्छा, ये और ये दोनों बराबर है भाई, अर्थात हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, यह रिजल्ट इसके इक्वल होता है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, अब हम कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस अब कुछ करना नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ।
अगर फिलहाल तो ये आपने सीख लिया है, और बस ये टेन ए जो होता है ना वो साइन ए बाई कॉस ए होता है, अर्थात टेन एक मान साइन बटे कॉस ए होता है। अगर हम टेन ए की वैल्यू को दोनों ओर रख, टेन ए की वैल्यू को रख के और आगे फर्दर सॉल्व करके देखें तो उसका क्या यह रिजल्ट आ सकता है। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये तो हमें दिया ही है, हमें ये पता है कि टेन ए, अभी आपने बताया है कि साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, बराबर है भाई। अब हम टेन ए की जगह इसकी वैल्यू को रखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, थोड़ा देखिए अच्छे से बच्चों, साइन ए बटे कॉस ए वन प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से हम एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाइए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अच्छा जी, अच्छा बस ये देखिए ये जो वैल्यू है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका जो रिजल्ट आता है वो वन आता है, ये सौ समी का है, बस कुछ देर बाद यहाँ भी आऊँगा, बस ये इसका वन आता है इतना समझ लीजिए आप। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक धैर्य बनाइए, साइन ए बाई कॉस ए इसको ऊपर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे वन, क्योंकि ये इसका मान वन होता है। अच्छा जी, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कॉस ए से ये कॉस ए गायब हो गया, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कॉस ए को नीचे रख देते हैं, बस साइन ए एक कॉस जो बचा है वो नीचे आएगा, ये कॉस को अगर नीचे भेज देंगे तो बात बन जाएगी, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ वन बटे कॉस ए सी ओ एस ए कॉस ए कुछ ए यूं बन गया जी। तो आप लोग ये देख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, यहीं से आप लोग सेक ए भी निकाल सकते हैं, ये सेक ए हो सकता है वन अपॉन कॉस ए। चलिए यहां से आ जाएगा साइन ए बराबर सेक ए, ये देखिए आपने उस वैल्यू रख के भी इसको निकाल के ये चीज इतनी आसानी से आ जाती है, आपको जो पसंद वो कीजिए ठीक है। ये मनोहरे की बुक में 31 क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये देखिए अपनी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू का मान है, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है कॉट ए बराबर 4/3, कैसे तो देखिए 3 cot A बराबर 4, यहाँ से cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और यहाँ से हम tan A भी निकाल सकते हैं 3/4, क्योंकि ये दूसरे की वाइस वर्सा अपोजिट उल्टे होते हैं। अब देखिए इसको A ले लीजिए, इसको B बोल दीजिए, ये C बोल दीजिए, tan A बराबर 3/4, यह आपका लंब दे रखा है 3/4। अच्छा जी चलिए इसको ऐसे बना लीजिए, ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करके 3K/4K कर दीजिए, अब ये जो है ये लंब है, ये है आपका आधार है, अब ये बनेगा कारण सबसे बड़ी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब ये आधार कितना है आपका 4K² है, धन 3K² है, ये हो जाएगा 16K² प्लस 9K², ये हो जाएगा 25K², यहाँ से कर्ण का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5K।
पाइथागोरियन त्रिक भी है, 3 4 5। कई लोगों को ये जानकारी ऑलरेडी पता भी होती है। अब हम यहाँ से टैन की वैल्यू आ गई है, प्रूफ करना ही है। कॉस ए साइन, पहले हमें पता है कि बायां पक्ष दायां पक्ष अगर ये दोनों चीज़ बैलेंस होगी तो ये प्रमाणित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बायां पक्ष को लेते हैं, बायां पक्ष को लेंगे फिर देखेंगे। ले लेते हैं बायां पक्ष को लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए यहाँ पे टेन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, टेन ए की वैल्यू 3k/4 3k/4k का होल स्क्वायर 1 प्लस 3k/4k का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कुछ काम कर देंगे। देखिए यहाँ से के मल्टीप्लाई भी हटा भी सकते हैं, नहीं तो आप आराम से हटाइएगा। लिए 1, ये मुझे दिक्कत कर रहा है, इसे कोई मतलब है नहीं, अभी हटा दे रहा हूँ। 1 माइनस 9k² बटे 16k² 1 प्लस 9k² बटे 16k² 16k² - 9k² बटे 16k² ये ज्यादा दिख नहीं रहा इसलिए इधर लिख रहा हूँ। 16k² - +9k² बटे 16k² यहाँ पे घटा हो यहाँ पे जोड़ है भाई। आइए यहाँ पे करते हैं 16 - 9 7k² बटे 16k² ये आएगा 25 16 + 9 25k² बटे 16k² अब यहाँ से 16k² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 7k² बटे 25k² फाइनली 7k/25 इनका देख लेते हैं, इनका हम देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दायां पक्ष लेने पे, अब हम दायां पक्ष को इक्वेट करेंगे, ठीक है। बायां पक्ष से दायां पक्ष में दिया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस और साइन के लिए कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू की नीड होगी। अच्छा तो यहीं से निकाल लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 4k/5k अर्थात 4/5। यह वैल्यू किसकी हो गई, कॉस ए की। साइन ए की भी निकाल लेते हैं, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 3k/5k, ये जाएगा 3/5। ट्रायंगल मीट आने से आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो आप ट्रायंगल को जब एनालाइज करेंगे तो वहां से कॉस ए साइन की वैल्यू आएगी। ये देखिए कॉस ए की वैल्यू है, उसके सामने इसकी वैल्यू रख देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है ना, हाँ 3/5 का होल स्क्वायर। ये मार्कर भी रेट है, दिख नहीं रहा होगा, मार्कर लाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बदल लिया है। 4 का 16 by 25 9 by 25 16 minus 9 it means 7 by 25। यह मान और यह मान आपस में इक्वल है, इसलिए राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। ये देखिए यहाँ से इतनी सिद्धम प्रूफ हो गया आप लोगों का। अब कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इसको भी जरूर नोटिस कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बस। और ये कैसे आए हैं उनको भी मैं दिखा सकता हूँ, फिलहाल तो मैं हिंट दूंगा और आगे भी प्रूफ जरूर कराऊंगा, हो सकता है मैं इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस 1 सेकंड देख लीजिए क्या दिया, 1 - 10² + 1/10² कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दिया ना। आप इसको देखिए कॉस टू ए का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये होता है 2 cos² a - a और एक होता है 1 - 2 sin² a। एक तो यही खुद ही है,
और ये खुद भी है, ये चार रिजल्ट किसके हैं, कॉस टू वे के। बस कुछ मिनट के बाद इसको जरूर प्रूव कराऊंगा कैसे कैसे आए हैं वो दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये चारों चीज रिजल्ट एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, 1 - cos² a - sin² a बराबर आ जाएगा 1 - tan² a 1 + tan² a। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, टैन ए और साइन ए की वैल्यू को रख के भी हम मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा। क्योंकि जब ये प्रूफ है तो आप किसी तरीके से भी लगाएं कि वो ऑलरेडी सत्य होगा, हर हर एंगल या हर आपका वे के लिए जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं। टैन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, अब हम टैन के जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे आप भी कर सकते हैं, 1 - sin a / cos a स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 1 - sin a / cos a अच्छा जी 1 - sin² a / cos² a / 1 + sin² a / cos² a यहाँ से एलसीएम लेके डायरेक्टली ये रिजल्ट आएगा, cos² a - sin² a / cos² a यहाँ पे आएगा cos² a + sin² a / cos² a। अब ये देखिए ये वैल्यू कॉस स्क्वायर दोनों साइड से जो कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दीजिए जो बच रहा है वही लिख दीजिए, लिख दे रहा हूँ यहाँ से कुछ आ जाएगा। हाँ जी cos² a - sin² a ये नीचे क्या है cos² a + sin² a ये एक सौर समीकरण का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इनकी वैल्यू जो होती है वन आती ही आती है, ये तो आज वन ही होना है। फिलहाल तो फाइनली ये आ जाएगा cos² a - sin² a। ये सारी वैल्यूज जो है ना ये निकल के आई हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करेंगे, प्रश्नावली 8b एंड आपके एनसीईआरटी में 8.2 मेंशन है, उसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कुछ वैल्यूज को याद करना ही होगा, आपने याद किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 के अलावा टेन 30 कितना होता है, कॉट 60 कितना होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान क्या होता है, इस तरह से चीज़ें आपको याद होंगी तो बहुत ही मज़ा आपको भी आएगा लगाने में, क्वेश्चन करने में, और आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएंगे। जैसे कॉस 60 का मान आपने बताया, या फिर कॉस के अलावा आपने साइन 30 का मान बताया, इन सब वैल्यूज़ क्या हैं बहुत लोगों ने याद कर ली होगी, और इन वैल्यू को अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, इन वैल्यू को याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मेरे लेक्चर भी दे सकते हैं, या आप अपने बुक्स को पढ़ते हुए क्वेश्चन लगे एक बार याद कर लीजिए और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन लगाइए, आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक तो आपको ऑलरेडी पता ही है, चलिए आप उसको साइन 60 की वैल्यू होती है, आइए कुछ एसोसिएशन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इसमें। साइन 60 को वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू यही होती है, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यही वैल्यू होगी कॉट 60 की भी 1/√3, इससे वैसे टैन 45 की वैल्यू 1 होगी, कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। इसी प्रकार से आप एक और वैल्यू निकाल सकते हैं,
टैन सिक्सटी की जो वैल्यू निकालेंगे वो आता है रूट थ्री, और यह वैल्यू इक्वल हो जाएगी कॉट 30 के, 30 डिग्री के। तो ये भी एक रिलेशन आ गया। कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2, यह वैल्यू इक्वल हो जाएगी साइन 30 के 1/2 के इक्वल हो जाएगी। एक ये भी रिलेशन आ गया। अब इनसे आप क्वेश्चन लगाएं, जैसे कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टैन 30 इंटू कॉट 30, यही मान दिया है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान और बहुत ही पेचीदा भी कर सकते हैं, जिसको वैल्यू नहीं याद है या वैल्यू रखने में गलती कर देगा उनके रिजल्ट भी गलत आ जाएंगे। और याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार याद कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आएगा पक्का याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अच्छा प्लस है तो प्लस, कॉस 30 की वैल्यू ये थोड़ा टेढ़ी वैल्यू होती है रूट 3/2, प्लस टैन 30 के जो मान होता है टैन 30 में 1/√3, अच्छा ये कॉट 30 है ये आ गया √3, और सभी रेसिप्रोकल है तो ये 1 आएंगे ही। आप देखिए करके भी 1 आ ही रहे हैं। अच्छा यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलता है, 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1, ये हमारा निकल के आ जाएगा 3/2 प्लस √3/2, ये वो आंसर। आइए आपके कुछ बुक के भी क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए। अब ये देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपके यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो होता है एक्सरसाइजेस 8B का है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके NCERT में भी पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन में कुछ बहुत विशेष नहीं दिया गया है, बस आपको वैल्यू ज़्यादा है तो उड़ा ले जाएंगे। अब उसमें NCERT में आपको दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री माइनस अपॉन 1 minus tan²30, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया गया, इसी को हल करना है। पहले हम इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को हम कुछ कैसे करेंगे तो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें tan 30 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। tan 30 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, इसका वैल्यू हमें पता है तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, अन्यथा हमें टेबल की नींद पड़ेगी। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम रख देते हैं, 2 × 1/√3 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसी भाई बंधु को दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, बताइएगा, मैं उस पर एक अलग लेक्चर ले दूंगा या वहीं पे आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये देखिए 1/√3 है, यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं 1/√3 × 1/√3, ये आ जाएगा 1√3 × √3, रूट थ्री को आप ये करणी में है, 3/3 कितना पेड़ बना है 2, इसलिए 1/3 इसका रिजल्ट आ गया। अब हम इसका यूज करेंगे, √3 1 + यहाँ भी इसको देखें तो ये 1/3 बन ही रहा है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ें तो कुछ यह निकल के आएगा 2/√3, एक सेकंड रुक जाइए बस, माफ़ कीजिएगा, 2/√3 एलसीएम लेने पे ये बनेगा 3 − 1 3 + 1/3, मजा नहीं आया। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 2/√3 3 − 1/3 2/√3 4/3, ये आ जाएगा 2/√3, इसको ऊपर भेजती हैं 3/4, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये कैंसिल होके
रूट थ्री बाई टू। अच्छा आपके उसमें ऑप्शन दिया है, पूछा कि यह वैल्यू किसका है, किसके लिए इक्वल होती है। तो इस वैल्यू का मान, यहाँ देखिए दो क्वेश्चन पूछ दिया, आपको बताना होगा कि ये किसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होगी साइन 60 डिग्री या फिर कॉस 30 डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस ये माइनस है। चलिए वैल्यू को रख देते हैं, दो टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 - 1/3, 2/√3 का जो मान आएगा 3 - 1/3, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 2/√3, 2/3, फिर इसको हम इसको ऊपर भेज देंगे, ये आ जाएगा 3/2, देख लीजिए। हाँ परफेक्ट है। अब 2 से 2 कैंसिल, फाइनली 3/√3 ऐसा है। √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 से इसको कटा भी देंगे, फाइनली आ जाएगा √3। अब ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू अभी आपने देखा भी था, जिनको याद होगी वो तुरंत बता सकते हैं, ये वैल्यू टैन 60 डिग्री की होगी या फिर यह वैल्यू कॉट 30 डिग्री की होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मनोहर एक क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है कि ये बराबर कितना होता है कि नहीं। इसमें भी कॉस 30 और साइन 30 की वैल्यू में पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता ही है, एंड साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, वो भी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा 3/4 प्लस 1/4, 3 + 1 ये होगा 4/4, फाइनली 1। हाँ देखिए बार बार दो तीन बार तो ये आ ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 30 रखें तो भी आएगा, अगर यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसका मान एक ही आएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्वसम्मिता का रूट है, इसकी वैल्यू 1 आती ही आती है। इसका हम डेमो आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखता हूँ, थीटा की वैल्यू मैं 60 रखा हूँ बस, तो आपको बस एक ध्यान ये देना, बस यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू याद रखनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बस रख देते हैं, रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, इसको आगे की 3/4 प्लस 1/4 बराबर 4/4, 1। ये भी देखिए ये भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 है। अब कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे, तो वो ले रहे हैं थीटा बराबर 45 डिग्री को लेके सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब लेके कीजिए, बस आपको वैल्यू वो याद होनी चाहिए कि साइन 45 डिग्री के लिए मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/√2 और यही इक्वल होता है कॉस 45 डिग्री के, या भी इसके इक्वल होता है कॉस 45 का मान 1/√2 ही आता है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अर्थात इसका मान साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर, ये किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, ये इसके लिए प्रूफ कर रहे हैं 45 डिग्री के, जब थीटा का मान 45 डिग्री है तो इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 आएगा ही 1/2 ये जाएगा 2/2 ये जाएगा 1। चलिए ये तो हो गया, और एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके साथ प्रश्नावली हमारी 8वीं समाप्त हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आइए देख लेते हैं।
यहाँ पे थीटा 45 डिग्री के लिए इसको करना है, तो हमें थीटा की वैल्यू 45 के लिए पता होनी चाहिए कि साइन 45 डिग्री पे यह वैल्यू क्या होगी। इसका मान होता है 1/√2 होता है। अच्छा जी, कॉस 45 डिग्री पे भी इसका मान होता है 1/√2 होता है। तो हम बायां पक्ष को ले लेते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष को देखेंगे। बायां पक्ष जब लेंगे तब हम देखते हैं फाइनली इसका आंसर क्या था। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इसको आगे देखेंगे। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ये देखिए रूट टू कितनी बार है, दो बार है, तो ये टू आ जाएगा, 2/2 ये 1 आ गया। अब हम लेते हैं दायां पक्ष को, दायां पक्ष को लेने पर टेकिंग राइट साइड, ये दिया है साइन 2 थीटा, थीटा का मान है 45 डिग्री, तो साइन 2 × 45 ये हो जाएगा 2 × 45 में करना है 90 आ जाएगा, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो सबको पता है 1 होता है। फाइनली इसका रिजल्ट 1 आ गया, और ये भी दोनों बराबर है, ये भी प्रमाणित होगा कि ये इसके इक्वल होता है। एक छोटी सी और बात, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है 2 sin θ × cos θ, तो यह तो होगा ही होगा। चलिए इसी के साथ 8B फिनिश हो गया, अब 8C की ओर स्विच करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोणों का क्या महत्व है उसको भी एनालाइज करेंगे। जैसे यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, और त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ए धन ए सी, एंगल ए धन सी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स एक एंगल में थीटा मान, दूसरा एंगल जो होगा वो 90 − θ हो जाएगा। अब जो होता है 90 − θ साइन 90 − θ, कॉस 90 − θ, इस तरह के जो भी फंक्शन आते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनका हम पर्टिकुलर यहाँ पे विश्लेषण करते हैं और उनका उपयोग करेंगे। अब याद करिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो ये देखिए आपका एक चतुर्थांश है, ये 4 तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये एंगल मेजरमेंट से हम करते हैं, यहाँ से हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। इस चतुर्थांश में हम एंगल मेजरमेंट करेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब हम आगे जाएंगे तो हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा, आपको पता है यह हमारा एक आधार हो गया, इस पर एक लंब कोई ड्रॉ किया गया, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल का मान जो आएगा वो 90 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ भी यही बात लागू होगी, ये भी 90 डिग्री आएगी, ठीक, ये भी 90 डिग्री आएगी, यह भी 90 डिग्री आएगा, अर्थात 90 90 चार बार है, 360 डिग्री हो रहा है। ये एक सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट में भी कहीं ना कहीं इसका भी उपयोग है। आप देखिए, अब ये चारों एंगल 360 डिग्री होगी, किसी भी वृत्त के केंद्र पर यह जो एंगल बनते हैं अंतरित कोण जिसे कहते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। यह चीज़ यहाँ से भी संबंधित है। अब हम पर्टिकुलर यहाँ पर एंगल की विशेषताओं को पढ़ेंगे। अगर 0 डिग्री से बढ़ते हुए अगर 90 डिग्री पहुँच रहे हैं, यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कुछ कम तो 90 माइनस, मतलब प्रथम चतुर्थांश में आएगा 90 − θ, ये होगा 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। इट मीन्स यहाँ हम स्विच कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 90 + θ, ये हो जाएगा सेकेंड चतुर्थांश। इसी तरीके से हम 90 और 90, ये दोनों अगर जोड़ दें जाएंगे, इन दोनों को जोड़ने पे ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर रेखीय युग्म प्रमेय से अकॉर्डिंग ये एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, ये भी हो गया। अब 180 डिग्री से थोड़ा भी कम तो इस कोऑर्डिनेट में रहेंगे, 180 − θ हो जाएगा, तो इससे थोड़ा भी ज़्यादा 180 + θ, इसमें एंट्री, इसमें प्रवेश कर जाएंगे तृतीय चतुर्थांश में, ये भी हो गया 90 + 90 + 90, अर्थात 270
270 डिग्री से थोड़ा भी कम, तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे 270 माइनस थीटा, इससे थोड़ा भी ज़्यादा 270 प्लस थीटा, इसमें चतुर्थ में आ जाएंगे। अब इसमें फिर 90 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ कोऑर्डिनेट 360 डिग्री हो जाएगा। 360 से थोड़ा भी ज़्यादा प्रथम इंट्री कर जाएंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा, इससे थोड़ा भी कम 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें हम एंट्री कर जाएंगे। अब बेसिकली इसमें कुछ रूल होते हैं, उसको आप बता दूं। देखिए ये ए होता है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यस साइन कॉस, साइन कोसेक, यहाँ पर टी टैन कॉट, यहाँ पे सी इट मीन्स कॉस सेक। अब ये ए एस टी सी जिसे हम बोलते हैं, इनका एक विशेष नियम है, यहाँ पे होंगे जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन कोसेक, साइन एक उसका उल्टा, साइन और कोसेक इसमें होंगे और पॉजिटिव, बाकी अन्य निगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब टी बोले तो टैन कॉट, यहाँ पे होगा टैन कॉट और इनकी वैल्यू जो आएगी इसमें पॉजिटिव आएगी, अन्य की वैल्यू जो आएगी ऋणात्मक आएगी, निगेटिव आएगी। अब सी, सी मतलब कॉस सेक, सेक जो होता है इसका उल्टा होता है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आएंगे और बाकी सब निगेटिव आएंगे। आपको इन दोनों तक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास टेंथ में याद रखना पड़ेगा, ये दोनों भी ध्यान रखेगी रखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मस्ट है, आपकी बुक में इसकी मेंशन है। अब हम कुछ और चीज़ों को भी बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसमें क्या होगा ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब छः के छः अनुपात जो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ये सारे सारे पॉजिटिव आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा ये जाएगा कोसेक थीटा में, कॉस थीटा में। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये जाएगा साइन थीटा में, और टैन 90 माइनस थीटा ये जाएगा कॉट थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा ये जाएगा सेक थीटा में, अब सेक 90 माइनस थीटा ये जाएगा कोसेक थीटा में, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ एक छूट रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा ये जाएगा टैन थीटा में। अब देखिए अब हम सबसे, अब थोड़ा सा टिपिकल पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है, हम इसको भी कवर करेंगे जल्दी से। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, हम 90 प्लस थीटा यहाँ एंट्री कर गए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव होंगे, अर्थात साइन 90 प्लस थीटा ये देखिए कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही आप ये लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, यह माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप लिखते हो कोसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कोसेक, किसमें बदलना है यही है सेक में, सेक थीटा। यदि आप ऐसे लिखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कोसेक, किसमें बदल रहा है कोसेक में, कोसेक थीटा, बट इसके आगे सेक है कि माइनस, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा माइनस में होंगे। थोड़ा सा प्लीज इसको कौन समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अगर समझ लेंगे तो आगे हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बढ़ के बता रहा हूँ टैन 90 प्लस थीटा। अब ये जो चीज़ बदलेगी किसमें बदलेगी, कॉट थीटा में बदलेगी, लेकिन माइनस के साथ बदलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका उल्टा लिख लें कॉट 90 प्लस थीटा,
ये बदलेंगे माइनस टेन थीटा में। अभी जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये बस किसके किसके लिए संभव होता है, 90 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए। और जैसे 180 प्लस थीटा हो आ सकता है, 180 माइनस थीटा, इन सभी के लिए जो होता है sin cos में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है cos sin में, ये चीज़ नहीं बदलता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे दूँ, इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं यह लिखता हूँ sin 180 माइनस थीटा। अभी साइन है, इसका मतलब ये कंफर्म है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन यह बदलेगा नहीं, ये बस साइन थीटा ही आएगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90, 180 हो जाएगा माइनस थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा ये बदल जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा में, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं साइन बदलता है कॉस में, हो गया। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा में, यह वैल्यू आ गई साइन थीटा की बराबर। अब देखिए 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इन सब चीज़ों के लिए साइन कॉस में या कॉस साइन में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ ऐसे होता है। बस इसको देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा बने रहिए, प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा। साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही आता है। अब आप सोचिए ये कैसे हो गया होगा, तो आप प्लीज़ देखिएगा, ये साइन, इसको हम 180 को 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 माइनस थीटा। यहाँ से हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अब ये बचेगा 90, और इसको ये देख रहे हैं ना, इसको हम कुछ और मान लें, कोई ये भी एक एंगल ही है 90 माइनस थीटा, या आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एंगल ही था, थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी एक थीटा है, इसको कुछ और मान लेते हैं। देखिए क्या मान लेते हैं, साइन 90 प्लस कोई एंगल अल्फा मान लिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा, या एंगल ही है, तो साइन किस में बदल रहा है, साइन कॉस थीटा में, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से जो 90 माइनस थीटा है वो बदल जाएगा साइन थीटा में, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, हमने ये दिखाया था कि साइन थीटा आता ही। क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें क्या ये है, ये देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का एक ही अप्रोच होता है, पकड़ना है 65 प्लस 25, ये हो जाएगा 90। अब हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में, साइन कॉस में, कॉस सेक में। तो मैं ये टैन 90 माइनस थीटा जो है वह कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है, बस हमें किसी एक को बदलना है। अब वन बाई वन कर बदलिएगा, नहीं तो दोनों एक ही साथ बदलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फायदा आपको लेना है ना। अब ये देखिए टैन 65 डिग्री दिया है, अब टैन 65 डिग्री दिया है तो हम क्या करते हैं, टैन 90 में से कुछ घटा देते हैं, ये बता दिया है कि कितना घटे, 25 घटा दीजिए, 25 घटा देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 65 आता ही है। अब यहाँ से एक फायदा मिल गया कि टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बदल जाएगा, यहाँ से देखो कॉट 25 डिग्री। अब टैन 65 डिग्री की मान क्या आ गया, कॉट 25 डिग्री। अब इस मान को यहाँ पे रख देंगे, रखने के देंगे तो कुछ और आ जाएगा, कॉट 25 डिग्री बटे कॉट 25, यह अभी 1। और इसे अभी बता दे रहा हूँ, यह आप मान लीजिए इस तरह का जो पैटर्न बनता है लगभग लगभग एक ही मान आता है, आगे आप देखेंगे, ध्यान देते रहिएगा, ध्यान देने का मेरा संकेत था बस। अब आप कोई कह रहा है कि नहीं हम नीचे वाले को बदलना चाहेंगे, वही बात सही है उनकी, कि वो नीचे वाले को बदलना चाहेंगे,
तो इनको ये बताएंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टैन थीटा में बदलता है। बात तो सही है। तो हम ये बदलेंगे कॉट 25 डिग्री को इसमें बदलेंगे टैन में, टैन बदल देंगे भाई। कॉट 90, कुछ ऐसी संख्या घटाएं कि बात पे 25 आ जाए। तो ये बता ही रखा है, 65 घटा दीजिए। 65 को घटाने पे मेरा काम आसान हो गया भाई। कॉट 90 माइनस थीटा ऊपर बता ही चुके हैं, क्या आ गया 90 थी 9, टेन थीटा में बदल देगा। टेन कितना, ये थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, 65 होगा। यहाँ पे 65 लिख देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉट 25 के इक्वल हो जाएगा। कॉट 25 डिग्री के बराबर हम टैन 65 डिग्री रखेंगे। टैन 65 इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, टैन 65 डिग्री कट के एक आ गया। देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तुरंत अगले क्वेश्चन पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ पे 3A को न्यून कोण बोला है और एक्यूट एंगल बोला है और पूछ रहे हैं कि एंगल ए को बताइए। ये भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस इसमें आपको ये देखना होगा कि कहाँ से लाभ ले सकते हैं। या तो इसको कॉस में बदल लीजिए, इसको साइन में बदल लीजिए, जो आपको आसान लगे उसको करके देख लीजिए। रिजल्ट आएगा ही आएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में जाता है, या कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो आ जाता है साइन थीटा में। ट्रांसफॉर्म होता है या बदलता रहता है, चेंज होता है। अब देखिए ये साइन है तो इसको साइन में बदल लेंगे तो मेरी बात बदल आ जाएगी। चलिए बदल लेते हैं। जैसे अभी आपने बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम कुछ ऐसा त्रिकोण लगाते हैं कि ये काम हो जाए। हम ये कह देंगे कि साइन 90 माइनस, ये क्या दिया है, ए माइनस 26 डिग्री, इसको थोड़ा अलग रख देंगे। ए माइनस 26 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे। अब ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये है, ये कॉस थीटा बदल रहा है तो थीटा की जगह ये आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला बन ही जाएगा। आपको ये एक और समझ लीजिए, साइन 90 माइनस ये 26 डिग्री थीटा का मान है, ये बदलेगा कॉस थीटा में, ये देखिए तो ये फाइनली यही आएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यह वैल्यू को रखेंगे, इसका बेनिफिट मिलता है आपको। फिर साइन 3A बराबर, इसकी जगह पे ये रखा साइन 90 माइनस ए 26 डिग्री। अब देखिए दोनों ओर साइन है, साइन साइन को हटा दीजिए। यहां से 3A बराबर 90 माइनस, ये ब्रैकेट में ए माइनस 26 ऐसे रख दीजिए, 75 कर दीजिए। उससे पहले एक स्टेप और बढ़ जाइएगा ताकि गलती से गलती ना हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। अब इधर जाएंगे तो ये भैया 4A हो जाएंगे। अब ये जुड़ जाएंगे 9 2 1 1। अब यहाँ से एक भाग बनता है, ठीक है, 3 29 डिग्री, अर्थात ए का मान यहाँ से निकल गया। अब और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख के ही सॉल्व कर लिया होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। देखिए आपको वो ही ध्यान रखना होगा कि साइन किस में बदल रहा है, टेन किस में बदल रहा है, कॉस किस में बदलेगा, ये ध्यान होगा तो आप क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे। जैसे ये दिया है और ऐसे भी देखिए, ये 8 8 1 प्लस 1 90, यहाँ भी 90 बदल रहा है। तो बिल्कुल आप संकोच मत कीजिए, क्वेश्चन धड़ाधड़ करते रहिए। ये देखिए आपको बस किसी एक को बदल लीजिए जो आपको सहूलियत लगे। कॉस 80 डिग्री दिया है, इसको बदल लीजिए कॉस 90 माइनस 10। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है साइन
थीटा बदलता है। अच्छा मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 95 थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, वो बताइएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब ये हम लिख दें कॉस 90 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 10 डिग्री। अब कॉस 80 की जगह ये वैल्यू हमें बस रखना है, रख देंगे कॉस 80 प्लस साइन 10। अच्छा इसको भी हम एक और हल कर लेते हैं, कॉस 59 डिग्री। इसको हम हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा कि 90 में से यदि हम 31 को हटाएंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए और ये भी बता दीजिए मुझे कि कॉस 90 माइनस थीटा बदलता है साइन थीटा में, तो यहाँ से कॉस 59 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये हम लिख देंगे साइन 31 में, क्योंकि तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है 31 डिग्री। अब आपका ये मान निकल के आ गया, अब इसी जगह रख देंगे, आपका काम एक नंबर का हो जाएगा, कॉस 59 बटे साइन 31। अब आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देंगे, ये जिसमें बदल रहा है उसको बदल दीजिए, साइन 10 डिग्री में आएगा, और नीचे साइन 10 ऑलरेडी है, यहाँ भी साइन 31 और नीचे भी साइन 31 है, ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 आंसर 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 18 बटे cos 72 डिग्री, ये दोनों का यू एडिशन करने पर 90 डिग्री हो ही रहा है, और ये आसान से इसका आंसर एक बता ही रहा है, आप कुछ कर भी लेते हैं, आपको बस यह ध्यान रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, कॉस थीटा में बदलता है, यह कितना दिए हैं, यह दिए हैं 18 दिए हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री। अब ये देखिए बदल तो रहा ही है, बदल दीजिए, ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई, अब इनकी जगह पे क्या रख देंगे, यह रख देंगे, जब यह रख देंगे तो फाइनली ये एक दूसरे को खा जाएंगे कैंसिल आउट करके, और रिजल्ट हमारा क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब वो क्वेश्चन कर लेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आप वो कर ही रहे हैं, फिर भी हम उसको भी कर लेते हैं, वो चीज़ कैसे आई है। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री इंटू सब में इंटू इंटू है, और 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, 90 माइनस थीटा वाला बन रहा है, ठीक है, और ये देखिए कहाँ कहाँ जुगाड़ बैठ रहा है, देखिए इसका जुगाड़ जुगाड़ बन रहा है इसके साथ, और इसका जुगाड़ बन रहा है इसके साथ, ठीक है, किसी एक को बदलिएगा तभी तो मजा आएगा, दोनों बदल देंगे तो फिर फंस जाएंगे आप। बस तो अब लगा दीजिए 10 48 डिग्री बराबर, तो कुछ ऐसा घटाइए काम बन जाए, बता ही दिया है क्या, बता दिए हैं भैया 90 माइनस 42 डिग्री ये आएगा ही, और यहाँ पे बता दीजिए कि 10 बदलेंगे 90 माइनस थीटा किस बदल रहा है, कॉट थीटा में बदलेगा, तो 10 48 डिग्री का जो मान आएगा वो कॉट 42 डिग्री में आएगा। अब क्या बचा है 10 23 डिग्री को देख लीजिए, देख ले रहे हैं उसको भी 10 23 डिग्री, यह कैसे आएंगे, तो 90 में से कुछ ऐसा घटाएं कि 23 आ जाएंगे, वहाँ भी देर का बाकी आप घटा भी सकते हैं 67 डिग्री, देखिए 7 3 10 14 8 9 यहाँ से भी आ रहा है। अब आप यहीं ये ऑलरेडी बता रखा है कि 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा बदलता है, तो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है 67 डिग्री आपको दिख रहा है, तो यह आ जाएगा कॉट 67 डिग्री। चलिए अब इसको वैल्यू मान हम यहाँ रख देते हैं, बड़े आसानी से रखेंगे और आनंद लेंगे रिजल्ट का।
48 डिग्री का मान कितना दिया है, cot 45 डिग्री, ये रख लिए हम लोग, इंटू tan 23 डिग्री, इंटू यहाँ इंटू कर दीजिए tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री का मान हम लोग वैसे ही रखेंगे, और tan 60 यहाँ पे tan 23 का मान हमें बदलना पड़ेगा भाई, cot 67 डिग्री, अब सब दुरुस्त है, tan 67 डिग्री। अच्छा जी, अभी हम तो बाएं पक्ष ही सॉल्व कर रहे हैं, अब ये आपको एक चीज और पता है कि cot थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/ tan थीटा के, क्योंकि ये दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं। चलिए तो ये चीज यहाँ देख ही लेते हैं, इन सबको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से तरीके से बताया, आप विजिट भी कर सकते हैं। अब इसको बदल लेंगे तो 1/tan 42 डिग्री हो जाएगा, ये भी बदल दिए 1/tan 67 डिग्री, tan ये 42 डिग्री, ये हो जाएगा tan 67 डिग्री, इसके इससे कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली 1 बच के आता है, और यह जो है दायां बच के बराबर होता है, इट मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे इसी के साथ। हम देखिए ये इस तरह का पैटर्न आपके सामने मिलेगा, इसको प्रूफ करना होता है, दे दिया रहता है कि किसी त्रिभुज में तीन अंत कोण इस प्रकार से हैं, ए एंगल ए बी सी, और उनको बता दिया रहता है कि आपको ये प्रदर्शित कीजिए। देखिए बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप बताओगे कैसे, ये बस देख के डर लगता होगा कभी कभी किसी को कि यार ये कैसे आएगा, बट यकीन मानिए ये सबसे आसान है। बस आपको एक चीज़ याद रखना होता है कि त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है बस। और बस उसको अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर हम यह कहें आपसे, ये बहुत तरीके से भी आ सकते हैं, फिलहाल तो आपको इसका एक आइडिया ले लीजिए, बेसिक आइडिया, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के तीन अंत कोण है, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है और आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, देखिए कोई ए प्लस बी कर रहा है, कोई बी प्लस सी कर रहा है, या कोई बी प्लस सी कर रहा होगा, ए प्लस सी करके 180 डिग्री माइनस बी करके भी कर सकता है। ठीक है, आपकी इच्छा है, किसी एक को ले लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी को आपने ले लिया है, तो सी को आप लोग कहाँ भेजे हैं, एंगल सी को इधर भेजे होंगे। चलिए तो कुछ ऐसे बना होगा, एक काम और करना होगा आपको, दोनों दो से भाग करने पे, दोनों जो दो से भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको पूरा आप लोग लिखिएगा कि दोनों और दोनों पक्षों में दो से भाग देने पे, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू, 80 में से दो करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भाग करके फिर ये चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ दोनों पक्षों साइन लेने पे या कॉस लेने पे, जो भी आपकी मर्जी हो, अगर यहाँ साइन लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, कैसे तो देख लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेने पे, साइन लेने पे, चलिए साइन ले लीजिए, साइन मतलब कि यस आई एन वाला, ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं, साइन इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंगल ए प्लस टू प्लस एंगल बी बाई टू, यहाँ भी साइन हो गया, बैलेंस रहेगा सिचुएशन हमारा, 90 माइनस सी बाई टू। अब देखिए कोई घबराने की किसी को बात है नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, अब साइन 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा, ये कॉस में आ जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बात को रख देंगे, साइन एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू बराबर कॉस θ,
थीटा के वैल्यू यहाँ पे एंगल सी बाई टू दे रखा है। इसी प्रकार से कोई अगर ए को इधर भेज देता, ए को इधर भेज देता, ऊपर वाला रिजल्ट आ जाता। अगर यहाँ साइन की जगह कॉस लेता तो नीचे वाला रिजल्ट आ जाता। इस तरह से बहुत सारे इंटरचेंज रिजल्ट आते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे साइन लेने के अलावा मैं लेता हूँ दोनों पक्षों में कॉस लेने पे, क्या लेने पे, कॉस लेने पे। इसको मैं एक स्टैंडर्ड समीकरण या इसी को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है, देखिए दोनों पक्षों में क्या लेंगे, कॉस लेने पे। जब कॉस लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा, कॉस इन ब्रैकेट में एंगल ए प्लस बी बाई टू, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू बराबर। यहाँ पे लिए कॉस लिए तो कॉस को यहाँ पे लिए, देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा किए हैं तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है, ये आपका थीटा है बस, तो यहाँ से बदल लीजिए साइन 9 थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल सी बाई टू, और यह है कॉस एंगल ए बाई टू इन ब्रैकेट में है एंगल बी बाई टू। देखिए तो रिजल्ट आ गया है, देखिए रिजल्ट आ गया है इस प्रकार से। अब कॉस को अच्छा इसी और देखिए, ये कन्वर्जन ही है, साइन वाला कॉस में आ रहा है, कॉस वाला सेक में आ रहा है, ये दिख रहे हैं। जब सेक दे देगा तो कॉसेक में जाएगा, टैन दे देगा कॉट में जाएगा। अब कहो आप कैसे बता रहे हैं, तो आप इसी बेस पे करेंगे तो वो रिजल्ट बन के आता है। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, टेन एंगल ए प्लस बी बाई टू बराबर। अब टेन बताओ 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा, आप इस यहीं से आइडिया ले ही लिए होंगे। चलिए तो कहेंगे तो चलिए मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या लेंगे आप, टैन लेंगे, टैन लेंगे यहाँ पे। जब आप टैन लेंगे तो यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा में बदल जाएगा। तो उसको भी हम कर ही लेते हैं ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए। चलिए बदल ही लेते हैं, टैन 90 माइनस थीटा जो बदलता है वो कॉट थीटा में बदलता है। अब टैन ले रहे हैं दोनों पक्षों में ना, इसमें ले रहे हैं सर, आप लोग देख लीजिएगा, टैन एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू बराबर टैन 90 माइनस एंगल सी बाई टू। अब यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ये आ जाएगा कॉट एंगल सी बाई टू, टैन एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू। यह जो चीज़ है क्या इसके बराबर नहीं है, ये देखिए एकदम बराबर है। चलिए अब आपके साथ प्रश्नावली 8C और 8.3 लेवल ख़त्म हो गई है। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा, और या तो सॉल्व करके आपके चैनल पे, सॉरी आपके सीडी पार्क पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको समीकरण का भी बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि समीकरण किसे कहते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन भी करते होंगे, काफ़ी बड़े चौड़े क्वेश्चन भी किए होंगे कि समीकरण क्या होता है। सिंपली समझा जाए, समीकरण जो है किसी भी व्यवस्था या किसी भी रिक्वायरमेंट को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना ही हमारा समीकरण है। इसे हम क्वेश्चन में करते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कर करके हम चीज़ों को हल करते हैं। वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित, ये हमारी व्यवस्था है, वो इक्वेट करके हम इसको बता दें कि ये जीरो है। मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी स्क्वायर होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है, आपने बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे, आप बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सबको याद भी है, कहते भी होंगे। अब देखिए यही चीज को मैं कुछ और तरीके से लिख रहा हूं, ए
प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो चीज़ है इसको मैं बाएं पक्ष में ला रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर, सारे माइनस में जाएंगे क्योंकि पंचांतर हो रहा है, माइनस टू ए बी बराबर जीरो। अब ये सारा चीज को जीरो हो रहा है क्योंकि इसका मान जो ऑलरेडी इसके इक्वल है, अगर नहीं है तो इसको आप करके देखिएगा, कहेंगे इसका मान इतना कैसे होगा, जो बहुत नहीं माने होंगे तो वो ए प्लस बी स्क्वायर को ऐसे करके गुणा करेंगे तो यह रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। ये जब एक ही जैसी है तो ये कट के जीरो आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा आता है। तो यहाँ से तो हम इसको बोल देते हैं समीकरण, और यहाँ पे हम कहेंगे ये सर्व समीका है, यहाँ पे हम कहेंगे इसको सर्व समीका। जैसे आप यहाँ पे एक चीज कहते हैं, इसमें मेंशन करते हैं कि बायां पक्ष होगा दायां पक्ष के इक्वल होगा, यह किसके इक्वल होगा, दायां पक्ष के, कि यह जो स्टेप आता ही है बायां पक्ष दायां पक्ष के, वो सर्व समीका बन जाता है, क्योंकि ये भी जितना सही है इसका कोई भी मान रखेंगे तो इसमें संतुष्ट करेगा। जैसे कि आपने ए का मान 3 लिया और बी का मान भी 4 ले लिया, अब इनको रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब आप इसमें रखेंगे तो ए का मान अगर 3 रख रहे हैं, बी का मान 4 रख रहे हैं, तो ये कुछ पहले एक को कर लेते हैं, बाएं पक्ष का है 3 × 4 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ देख लेते हैं 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 2 × 3 × 4, 3 का स्क्वायर 9 + 4 16 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 6 × 4 24, ये भी 49 आ गया, और साथ यहाँ पे बायां पक्ष पर दायां पक्ष है, ये बैलेंसिंग सिचुएशन होती है। अब हम इसका उपयोग करेंगे, त्रिकोणमितीय 3 सर्व समीकरणों को माना गया है, एक ही से इसकी तीनों की उत्पत्ति होती है, जो बार बार आ रहा था और मैं कह रहा था कि आपको कराऊंगा, ये यही है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1। अभी आप ए के वैल्यू बदल बदल के, एंगल को बदल के भी देखे थे, यही वहाँ रिजल्ट 1 ही आ रहा था। अब हम इसको करते हैं कि ये चीज़ कैसे आई है। अब देखिए इस सर्व समीका को कैसे आता है उसको देखेंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे ए जो है वो एंगल है, आप एंगल को थीटा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी व्हाट एवर। अब आपको ये चीज़ जो दिख रही है ना, ये कैसे है उसको हम देखते हैं। आपके सामने एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो बी है 90 डिग्री है और ये थीटा माना गया है। अब हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा पर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ये लंब है, ये कर्ण है, जो ये बचा है ये हो जाएगा आधार या बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। चलिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हम साइन थीटा की जगह लंब बटे कर्ण रख देंगे, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। बाएं पक्ष को लेके चल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। अब ये होता है लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का वर्ग धन आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का हम एलसीएम ले लेंगे, कर्ण स्क्वायर का, कुछ यूं बन के आएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यह देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग आधार के वर्गों की युगफल के बराबर होता है, द समेशन ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपके सामने यहाँ पे
कर्ण स्क्वायर रख देंगे इसकी जगह पे, देखिए क्या बन के आता है, कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का स्क्वायर जो है। अब ये कट के हुआ ना जाएगा, ये वैल्यू जो होती राइट हैंड साइड मतलब कि दायां पक्ष के बराबर है, देख लीजिए। अब कोई कहेगा कि इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण था, लंब कितना है, और लंब देखिए लंब जो खींचा गया है सी बाई सी बी है, सी बी को लंब हम सी बी इसमें बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में हमारा लंब जो है वो कितना है सी बी है, और कर्ण कितना है ए सी, ये है आपका कर्ण ए सी। अब कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका ए बी है, लिख लीजिए आधार ए बी, कर्ण बिल्कुल पता है हमें ए सी है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इट मीन्स होगा सी बाई बी बटे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बस देख लीजिए कौन है आपका ए सी स्क्वायर, ए सी कौन है आपका ए सी स्क्वायर, लंब है आपका बी सी का स्क्वायर, आधार है आपका ए बी का स्क्वायर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है, देखिए यही कहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखेंगे हम। चलिए साइन थीटा की वैल्यू रखा है यहाँ पे सी बी बटे ए सी, सी बी बटे ए सी का होल स्क्वायर कॉस थीटा है, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर अभी हो जाएगा सी बी स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, यहाँ से ए सी दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन ले एलसीएम ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये सी बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये देखिए यहाँ से आप बी सी प्लस ए बी स्क्वायर जो आ रहा है आपका सी बी या बी सी एक ही बात है, ये हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट होके वन आता है, यह वैल्यू वन आ रही है, और यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें आपको वन मिल ही रहा है। अब इस रिजल्ट का प्रयोग करके हम कुछ और सौ समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, उसको निकालेंगे हम लोग, आइए और कुछ सौ समीकरण निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है उसी को हम लगा लेंगे। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपके सामने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप क्या करेंगे इन दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर ए से एक बार भाग दे दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें साइन स्क्वायर ए से भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में कहा गया है ना, तो हम करेंगे साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अब ये जो हो जाएगा कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वो अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अरेंज कर लेंगे। अब इसको देखिए क्योंकि कोसेक ए बराबर होगा वन अपॉन साइन ए, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं उल्टे होते हैं, यहाँ पे कोसेक ए का होल स्क्वायर रख देंगे, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस वाई साइन ए, ये हो जाएगा कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ से आ जाएगा कॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये एक रिजल्ट आ गया खुद में, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और भी लिख सकते हैं इसको इधर बेच के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन, ये वाला जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फर्दर भी यूज करेंगे लेकिन आगे देखेंगे, फिलहाल तो इतना। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से भाग दे चुके हैं, अब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं क्या होता है देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
बराबर 1 है। इसमें अब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। अब टैन ए होता है साइन ए बटे कॉस ए। यहां से साइन ए कॉस ए को अरेंज कर लिया, स्क्वायर ऊपर कर दिया। अब यहां से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए जो होता है सेक ए के इक्वल होगा। तो ये इसके उल्टा होता है भाई। अब यहां पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। एक तो यह हमारे सामने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया सौ सौ निकाल। अब थोड़ा सा इसमें भी रीअरेंज कर लें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। ये जगह सेक स्क्वायर ए माइनस, इधर भेजे तो ये हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर ए आ गया भाई। अब हम कुछ और भी कर लेते हैं। देखिए अब टेन स्क्वायर ए के बारे में बता सकते हैं। टेन स्क्वायर ए मतलब इस ए को यहाँ भेज देंगे। टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए यहाँ से आपकी सारी चीज़ निकल के आ गई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सौ श्रमिका से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए ये आपके यूपी बोर्ड में भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हो राइट हैंड साइड बाया पक्ष को सॉल्व करके यहाँ पे ये लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक या जानकारी होनी चाहिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए यह रिजल्ट आपको जानकारी में होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसी स्टैंडर्ड पे आपके सीजीएल और सीएसएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कॉम्पिटिशन में भी यही क्वेश्चन पूछा है। कॉम्पिटिशन अलग नहीं होता है, वो भी इसी चीज़ से थोड़ा सा बस ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। और ध्यान आप अभी से देना शुरू कर देंगे तो आगे आसानी मिल जाएगी। अब ये देखेंगे आप ये क्या कह रहा है। यहाँ पे आप जैसा ही आप बायां पक्ष को आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही होगा, इसकी मदद से ही काम बनेगा। चलिए इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट में इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये बड़ा खास बात है, इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे, तो अभी आपने सौ समीका में देखा भी होगा, वहाँ मैंने दिखाई भी है। बस इतना याद रखिएगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको इधर लाएंगे वही चीज़ आएगी। इसीलिए कहा था इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इतनी बार अकर करते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसी से संबंधित घुमा फिरा के कहानी बनती है। देखिए ये हो गया आपका बेसिक। अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 रख देंगे। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाँ, इसके टर्म में पूछा है टैन के टर्म में, यहाँ पे इसको फिर से अप्लाई कर देंगे। अब इसको अप्लाई करेंगे काम बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल घबराइएगा मत, आपको बस कंसंट्रेशन ही अचीक होता है, बाकी आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन एक टेन दो टेन मिलके 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। या यही तो आपका दायां पक्ष है, ये रहा आपका, ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ कैसे कर रहा है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया था और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि आपको कराऊंगा तो बेनिफिट देगा, शायद हो सके तो बोर्ड में भी आ सकता है, संभावना है। अच्छा जी कर लेते हैं। देखिए
पहले हम बायां पक्ष को लेके करेंगे, बायां पक्ष से भी लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रीफर किया इस क्वेश्चन को। वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये कॉसेक में है ना, बस ये देखिए कुछ ऐसा करते हैं, ये कॉसेक बने या कॉट थीटा बने, पांच सौ हर दोनों पक्षों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे भी कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब वन अपान साइन थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है, बस 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 रेशनलाइजेशन आ गया, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, पर मैं एक कर रहा था नीचे वाला होता है ना, इसमें ये माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कुछ ऐसा कीजिएगा, कोसेक थीटा सी होता है प्लस कोट थीटा, ये हो गया। अब नीचे भी कर देंगे ये चीज, ऐसा इसलिए करते हैं कि बेनिफिट मिलता है और हमारा रिजल्ट भी सेम नहीं होगा, रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट के वन ही आएगा, लेकिन ऊपर एक फायदा मिल गया हमें, इसको और इसको देखिए एक ही चीज़ है, ये एक बार है दो बार है, दो का स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर दो हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी हाँ, ये देखिए ये देखिए ये चीज बहुत ही बेनिफिट आ गई, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसी को समझ लीजिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये बने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे, अर्थात ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रख दिए। अच्छा जी, और इनका रिजल्ट एक होता है कैसे, तो ऐसे देखिए आपको एक और सौ समीका ध्यान रखनी होगी, ये सौ सौ समीका जो इस तरह से इसको रखे हैं उस तरीके से आप ये रखेंगे, कोसेक में है तो कोसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा थीटा में आ रहा है। हाँ ये जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में आपने जब कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ये चीज़ आया था, इसका उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब ये इस चीज़ को ऐसे करेंगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजे हैं तो यह रिजल्ट आया है और इसका मान वन होगा। अब फाइनली आपका एक आंसर निकल के आ गया, ये आंसर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का बटे का होल स्क्वायर, देखिए बटे वन, वन से भाग देंगे तो वन ही आएगा, यही तो है आपका दायां पक्ष के बराबर हो गया, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब हम दायां पक्ष से बायां पक्ष बनाएंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मैकेनिज्म इसके पीछे है उसको हम तुरंत ध्यान देंगे और इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसे जूझोगे नहीं ना तब तक से आपको इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए जूझना बहुत ही आवश्यक है। बस आप ध्यान दीजिएगा करना क्या है, पहले तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हो जाएगा, लिख लीजिए बड़ा आराम से कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर कोट थीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा दे रखे हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, इसको खोल लेते हैं।
यू या सी सी कॉस एक थीटा प्लस और थीटा, एक बार हो गया, यहाँ पे एक बार से लिख दी, कॉस एक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बन गया मेरे सामने। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉसेक माइनस कोटीटा से गुणा को कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों कर देते हैं, फायदा मिलेगा इससे, कॉसेक थीटा माइनस और थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कॉसेक थीटा माइनस को थीटा, ये कर लिया। अच्छा जी, अब आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, दिखा रहा हूँ। देखिए और ये चीज देखिए, यहाँ पे फिर वही चीज बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बचा क्या है, हाँ ये बचा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे क्या है, नीचे है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा जी, ये और ये यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके अनुसार पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू सीधे 1 होती है, आप रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपको टाइम भी लग सकता है और फंस भी सकते हैं। बस यही बचा है, इसको हम और ही आसानी से करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बस माइनस में है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/5 साइन थीटा प्लस कॉट ले सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दिख नहीं रहा इसलिए ऐसे लिखूंगा, कट जाएगा ना इसलिए ऐसे लिख ले रहा हूँ, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों में साइन साइन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉपरेट कीजिएगा, ये जाए कुछ इस प्रकार से, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, देख रहे होंगे आप, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यह जो है बाया पक्ष इक्वल हो जाएगा, इस प्रकार से किसी एक तरीके से जाके किसी एक पक्ष दूसरे पक्ष में प्रूव कर सकते हैं, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आके प्रूव कर सकते हैं। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, कुछ मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं सौ समीकरण पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, देखिए इस क्वेश्चन करते हैं, मनोरम ये 30 पे दिया है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पहले इसको 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दिखा रहा है कि 1 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए है 1, बी की वैल्यू है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसकी जगह पे, अब बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब ये जो दिख रहा है ना,
इसमें हम क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, ये हो जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो हम यदि इसको वन के इधर ला दें तो ये कुछ ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट कॉस को इधर भेज दे रहे हैं तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसी जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी देख लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर थीटा, लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो सेक होता है कॉस को उल्टा होता है सर, अर्थात आप सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दोनों स्क्वायर कर दें तो ये भी हो जाएगा वन का स्क्वायर वन ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसे कट जाएगा आ जाएगा वन, अर्थात हमारा काम हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब सिद्ध कुछ करना है, सिद्ध क्या करना है इसके बारे में, इतना सिद्ध करना है, चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। हाँ बाया पक्ष में दाया पक्ष हम ले लेते हैं, बाया पक्ष को बाया पक्ष में दिया है वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, रेशनलाइजेशन कर देते हैं उससे बेनिफिट हो जाएगा, और वही कल से बोलते हैं ऊपर नीचे वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, यहाँ भी वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं क्या फायदा होता है इससे, ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन ए, ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यह संख्या दो बार है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे को आकलन करेंगे, ये क्या है वन प्लस साइन ए है वन माइनस साइन ए, कुछ इस तरीके का रूप बना रहा है इसलिए यह भी हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसकी जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, चलिए कर लेते हैं इसको भी वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस डर लगते हैं इसलिए आप सब डरिएगा मत, बस देखिए बड़ा आसानी से कर सकते हैं आप, बस ध्यान की जरूरत होगी आप लोग, एकाग्रचित होना पड़ेगा इसमें। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे और मूल निकाल लेंगे इन सभी का अच्छे तरीके से, यहाँ पर फाइनली आ जाएगा वन माइनस साइन ए, ये आ जाएगा कॉस ए। अब ये कॉस ए का ऊपर नीचे दोनों में भागा होगा वन बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए वन अपन कॉस ए होता है सेक ए होता है, यहीं पर मैंने लिखा भी था माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ये वैल्यू होगी टैन की वैल्यू हो जाएगी, ये जगह टैन ए, हाँ यही वैल्यू आई हुई है, ये आप देख सकते हैं इसका ये रिजल्ट है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दूँ कि ये क्वेश्चन है करना क्या है। इस क्वेश्चन में दे रखा कि वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए, अच्छा जी ये है, इसमें बस एलसीएम लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा बड़ा टर्म है बट हो जाएगा बड़ा बढ़िया से, वन अपॉन वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए वन माइनस कॉस ए एक साइड वन प्लस कॉस ए,
एक्स यहाँ पे आ जाएगा, वन प्लस कॉस, जिनको थोड़ा इसमें दिक्कत होगी वही बड़ा ध्यान से देख लेंगे, फिर कर लेंगे दिमाग लगा के, हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर का हिसाब लगाते हैं, ये माँ प्लस कॉस है, ये माइनस कॉस है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही। चलिए इसको हटा देते हैं, वन प्लस ए को वन प्लस ए रख देते हैं एज इट इज, नीचे है वन माइनस कॉस है, वन प्लस कॉस है, ये भी वही फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे साइन के टर्म में बात हुई थी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर के टर्म में बात हुई, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप इसको अगले स्टेप पे जाएंगे, वन प्लस वन टू होता है, और ये हो जाएगा मेरा वन माइनस कॉस स्क्वायर है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, जिस तरीके से आपने इसको किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसी प्रकार से आप यह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके टिप पे होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन को करने में टाइम सेव होता है और आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, लिख दीजिए। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि वन अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, क्यों, ये दूसरे के रेसिप्रोकल या उल्टे होते हैं। तो आप इस चीज़ को बेनिफिट यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, एक दो बार आप करके देखेंगे तो वो आपके यूज टू हो जाएंगे, वो चीज़ें आप देख के उड़ाने शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा टू इंटू, यहाँ पे ये चीज़ रख देंगे, और ये चीज़ है तो इसकी जगह पे आप कॉसेक थीटा रख देंगे, एक चीज़ और इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करके चीज़ें अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, यही पूछा ही है, यहाँ पूछा ही गया, यह तो ये हमारे साथ आ ही गया। इट मीन्स यह जो रिजल्ट आया है बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के इक्वल आ ही गया है, देख लीजिए। अब इस पे आपको कोई और भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, या वहीं पे आपको इसका बना के क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, और स्टडी पाथ टेलीग्राम आप सर्फिंग करके भी बहुत से मटेरियल को आप सर्च कर सकते हैं। अब आप देखेंगे त्रिकोणमिति कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यूज करेंगे और कैसे थोड़ी याद करेंगे, मैं थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा, आप प्लीज केयर कीजिएगा। ये देखिए साइन ए प्लस बी बहुत बार आया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए होंगे लेकिन केयर नहीं किए होंगे, ये देखिए क्या होता है, ये ए प्लस बी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी बनते हैं और अप्लाई भी होते हैं, और इसकी एक रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम देखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये एक रिजल्ट है, उसको आप प्लीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए ये देखिए साइन ए प्लस बी है ना, तो आपको पहली बार क्या है साइन है लिख दिए, फिर कॉस को जब भी आप लेंगे तो दूसरा वाला वैल्यू लेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला वैल्यू ले लेंगे, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे साइन के साथ साइन बी ले लेंगे, कॉस आप पीछे वाले वैल्यू पे आ जाएंगे, ये रिजल्ट आ गया। और जैसे कि इसका फायदा देखेंगे तो आप कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप जैसे कोई आपसे पूछेगा टेन एटीन का वैल्यू बताइए, टेन 45 का वैल्यू, टेन 15 का वैल्यू बताइए, या साइन 15 का वैल्यू बताइए, तो ऐसे ही नहीं करेंगे, आप किसी ने पूछ दिया कि साइन 15 डिग्री का मान बताइए, तो हर दिमाग लगाएंगे यार 15 जो होता है 15 डिग्री, एंटीवायरस डेटा सब पढ़ लिए, उस तरीके से आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं यह जो चीज़ें हैं 60 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री को घटा देंगे कम बन जाएगा, जब ये सोच लिए पक्का ये रिजल्ट भी आप निकाल लोगे, कुछ करेंगे नहीं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस, बच्चों ये प्लस है तो सब प्लस था, यहाँ पे यदि माइनस रहेगा तो
तो माइनस ही रखेंगे, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, और क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अभी साइन 60 का मान होता है 1√3/2, ये होता है 1/√2 माइनस 1/√2, 1/2। वैल्यू तो देखिए याद रखना ही पड़ेगा ना आपको, 3/2√2, 1/2√2, पर मैं एक कर्म भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया ये निकालनी है, इसी तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ इसके आगे हम जाते हैं, इसके आगे हम देखेंगे क्या होता है। यदि ए बराबर बी है तो, ए बराबर बी है तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस ए। अब जहां जहां ए बी है वहां पे ए रख दीजिए, एक फॉर्मेट में रखेंगे साइन ए, यहाँ बी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मान चुके चुकी ए बराबर बी, कुछ और निकाल रहा है देखिए यही बता रहा था, प्लस आपसे कहा भी था कि आगे मैं जरूर करूंगा, यही कर रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, ये चीज और ये चीज दोनों एक ही जैसे है, और धन है तो जुड़ जाएगा, ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ये चीज आ गई, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया आपके सामने, और ए धन ए हो जाएगा 2 ए, किसके साथ आया है साइन 2 ए के साथ आया है, ये अभी एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला देखेंगे तो कॉस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल और आसान दोनों है, आप कहेंगे एक साथ कैसे, थोड़ी समझ की बात है, कॉस ए प्लस बी है ना, देखिए आप कॉस ए के साथ लिखना पड़ेगा, कॉस ए को लिख लिए फिर कॉस बी को लिखेंगे, प्लस है ना, ये देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो उल्टा काम करता है, साइन ए फिर लिखेंगे साइन बी, यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, अब इससे भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले की हम स्टडी करेंगे, यदि हम जैसे तैसे माने हैं क्योंकि ए बराबर बी मान लेते हैं, फिर देखते हैं इसका, हाँ कॉस ए प्लस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी को हम रख दिए हैं ए, माइनस साइन ए इंटू बी की जगह पे हो जाएगा ए, कॉस कितनी बार है मल्टीप्लाई, 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ भी ठीक वही 2 बार है तो साइन स्क्वायर ए, ये बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट आ गया, कहा था कराऊंगा, देखिए आपके सामने है, ए धन ए बराबर हो जाएगा 2a cos 2a। अच्छा जी, आपने अभी हाल ही में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब सरल समीकरण पढ़ी हैं, उसका उपयोग हम करेंगे भाइयों, देखिएगा आप कैसे कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, काफी लोग ने याद भी होगा पहले से ही, और अभी लोग ने याद भी कर लिया होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर पे वहां से भी डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितनी बार है 2 बार है, चलिए तो 2 बार है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, cos 2a बराबर, एक तो आपके सामने एक ये रिजल्ट आ गया और एक ये आ गया, इसको हम ऊपर रख देते हैं, ये आ गया cos 2a बराबर 2 cos² a - 1, ये भी बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आ गया, ये लास्ट -1 है दिख नहीं रहा था, ये 2 cos² - 1 है। अब देखिए जिस तरह से साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखें, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए भी तो आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तो वो भी एक सरल समीकरण है, वहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसी आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। चलिए अभी कहाँ रखेंगे, इसी में रखिए, इसी से आते हैं ना, बहुत ही खास है ना, देख लीजिए मैं इसी में रख रहा हूँ, क्योंकि कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आप किसकी वैल्यू, कॉस ए की जगह पे ये रखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप कुछ और भी करेंगे, साइन स्क्वायर ए इसको जोड़ देंगे, माइनस लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये रिजल्ट किसका होता है, कॉस टू ए का रिजल्ट आता है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, अब एक स्टेप और कर लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा एडवांस रहेंगे, 11 में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, तो आगे भी मदद मिलेगी। देखिएगा सी एच एस एफ का क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन क्वेश्चन भी इसी तरह के होते हैं। अब देखिए ये दिया है ना, क्या दिया है, कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये दिया है। आप क्या कीजिए ना, इसको इधर ला दीजिए। अच्छा जी, इधर लाएंगे ना तो टू साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए, अब टू को इधर भेज दीजिए, टू को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, ये चीज आ गया। इसी प्रकार से आप कॉस स्क्वायर ए भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए जब निकालेंगे तो ये होता है कॉस टू ए माइनस वन बाई टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं निकाले हैं ना आप, हाँ ये देखिए कॉस टू ए बराबर, ये देखिए ये जो आया है टू का स्क्वायर, कॉस टू ए बराबर टू का स्क्वायर माइनस ए, इसको देखिए और से समझा देता हूँ, कॉस टू ए इसको इधर भेजेंगे बाई टू कर देंगे तो ये रिजल्ट आ ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। अब आता है थ्री ए की वैल्यू, हाँ अब देखिए थ्री ए की वैल्यू निकालना होगा, तो हिंट दे रहा हूँ ये बहुत ही आसान है। यदि ए की जगह ए रखें और बी की जगह कुछ ऐसा कर दें बी बराबर हो जाए टू ए, ये हो जाएगा ए प्लस टू ए बराबर हो जाएगा थ्री ए, बी की जगह हो जाएगा बस टू ए, और यहाँ पर टू ए की जगह ये स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। इस तरीके साइंस थ्री ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर नहीं निकालेंगे क्योंकि आप लोग बोरिंग फील करेंगे, उसको अगले सेक्शन देखेंगे, अगले अगले टॉपिक में कवर किया जाएगा। यहाँ तक काफ़ी है आप लोग के लिए, अब कुछ और भी फॉर्मूले बनते हैं। हाँ टेन वाला बता देता हूँ, फॉर्मूले तो काफ़ी है लेकिन आई थिंक 10 में या उससे जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में अब फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे। वैसे तो त्रिकोणमिति में एक से बढ़कर एक फार्मूले हैं, बट यहाँ पर कुछ चुनिंदा फार्मूलों को भी बात की जाएगा जिससे आपको मदद मिले, उसी के पास बात होगी, अन्यथा आप लोग बोरिंग भी फील कर सकते हैं। अब होती है टैन के बारे में बात होगी, देखिए ये रखिए टैन ए प्लस बी, इसका बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, कैसे टैन ए प्लस टैन बी लिख लीजिए वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यदि यहाँ माइनस रखेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा टैन ए माइनस बी बराबर, यहाँ प्लस माइनस हो माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, इस पे टैन पंद्रह टैन आराम से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा टैन 60 माइनस 45 डिग्री, इसकी आप वैल्यू रखिए डायरेक्ट रिजल्ट आएगा भाई। चलिए देख लेते हैं कैसे, कुछ ऐसा आएगा टैन 60 देखिए माइनस टैन 45 वन माइनस टैन 60 इंटू टैन 45, वैल्यू याद होनी चाहिए तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा रूट थ्री माइनस टैन 45 वन ही होता है, वन माइनस टैन 60 है ना, हाँ रूट थ्री इंटू वन, चलिए तो रूट थ्री माइनस वन वन माइनस रूट थ्री पूरा आंसर आ गया। भैया बार किसके टैन 15 की वैल्यू आ गई। अच्छा जी इसी प्रकार से माइनस भी देख लिए, इसी प्रकार से कॉट ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी हाँ टैन टू ए के बारे में बात कर लेते हैं, यदि बी बराबर ए मान लेते हो, अच्छा यही कर लेते हैं
यदि इफ ए इज इक्वल टू बी तो क्या हो जाएगा, टेन ए बी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, जहां जहां बी है वहां पर ए रख देंगे, रख दे रहे हैं टेन ए प्लस टेन ए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी जगह ए रख देंगे, वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए, यह हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग ध्यान से, टेन ए, टेन ए कितनी बार है, दो बार, टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ये अब फॉर्मूला आ गया। टेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप पूछ नहीं सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि टेन टू ए बराबर भी साइन टू ए बटे कॉस टू ए होता है। यदि आप इसमें से कोई एक दो फार्मूला भूल भी रहे हैं ना, तो आप यहाँ से इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जैसे आप टेन टू ए आपके सामने दिखा है, इसी प्रकार से साइन टू ए का भी एक फार्मूला बन जाएगा टेन के रिस्पेक्ट में। एक तो आपने अभी देखा है जस्ट इसके एक दो सेकंड पहले, टू साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। उसी को आगे जब यूज करेंगे ना, कुछ यह रिजल्ट बन के आता है। क्या रिजल्ट आता है, टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए यह एक फार्मूला आता है, ये बहुत दमदार फार्मूला है कि उसी से आता है। कहे तो इसको प्रूफ करा दे रहा हूँ, आगे करा दे रहा हूँ, बस एक सेकेंड लगेगा। ये थोड़ा सा प्ले है एक तरह से, आप चीज़ें सीख गए हैं तो उसके साथ आप एसोसिएट बना के थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। साइन टू ए बराबर टू साइन जल रहा है ना, हाँ, इंटू कॉस ए होता है। चलिए ये तो होता ही है। अब देखिए इसमें लाना है आपको, दोनों पक्षों में क्या कीजिए, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से भागा और गुणा कर दीजिए, कट के वन ही आएगा रिजल्ट में, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये रिजल्ट हमारा ये है। अब मेरा काम बन गया, कैसे, ऐसे देखिए, टू साइन ए इंटू कॉस है, इस कॉस स्क्वायर को यहाँ रख देंगे, कर लिया, इसको यहीं पे रख दीजिए सर आप, ठीक है। अब टू साइन ए एक कॉस उसके साथ सम्मिलित कर दीजिए, एक कॉस को कटा दीजिए, इंटू इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा, कॉस को नीचे भेजेंगे क्या जाएगा, सेक हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, रुकिए एक सेकेंड बस, कॉस ए बराबर होता है वन बटे सेक ए, इसका स्क्वायर करें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जाएगा कॉस ए बराबर वन अपन सेक स्क्वायर ए। चलिए अब ये हो जाएगा टेन के फॉर्मेट में, क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपन कॉस ए होता है। नीचे आ गए हैं सेक स्क्वायर, यहाँ एक सौ समीका उपयोग होगी, सौ समीका यह कहती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया भाई जी। चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को देखते हुए, टू टेन ए सेक स्क्वायर ए का वैल्यू यही है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये देखिए, ओ थोड़ा मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी। ये देखिए आपको टेन टू ए आ गया, साइन टू ए, हाँ, अब यहाँ से कॉस टू ए, कॉस टू ए को भी आप निकाल सकते हैं, और कॉस टू ए को इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो इसका तीनों फॉर्मूला जो लिखा हुआ हूँ फिलहाल, तो जो बड़ी आसानी से आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं, कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सारे फॉर्मूले दूसरे कनेक्ट होते हैं, आप करके देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा इनटू में। चलिए आप कर लीजिएगा, हाँ। अब देखिए मुझे टेन टू ए पता है, साइन टू ए पता है, कॉस टू ए भी निकाल सकता हूँ, वैसे तो आप पता डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या और आप इसकी मदद से भी निकाल लेंगे, तो मैं इसकी मदद से निकालना दिखा रहा हूँ ताकि आप इसकी बेनिफिट को समझें और इसको उपयोग कर सकें, ठीक है सर, ये आपकी चीज़ें हैं। चलिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, चलिए ये देख लीजिए, आप कॉस टू ए बराबर लिख लेंगे, कॉस टू ए बराबर लिख लेंगे साइन टू ए बटे
बटे साइन टू बटे टैंक ये टैंक टू ए मतलब कि तिरिया गुणा है इधर से इधर, उसे आप आपकी समझ बन गई होगी इस लेवल पे कि आप इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टैन टू ए। अच्छा जी, साइन टू ए की वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू है टू टैन ए बटे वन प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। अब हमें टैन टू ए की यहाँ वैल्यू रख देते हैं, टू टैन ए बटे वन माइनस टैन स्क्वायर ए। ओहो सॉरी सॉरी सर, ये टू टैन ए है, देखिए ये साइन टू ए का वैल्यू है। चलिए अब क्या करना है, ऊपर चेक करके अरेंज कर लीजिए, टू टैन ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे टू टेन ए। यह टर्म एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेंगे, फाइनली आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस टू ए का रिजल्ट आ जाएगा। ओके अब कुछ और भी चुनिंदा क्वेश्चन देख लो। अब ये देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। आसान टफ दोनों होते हैं, टफ उनके लिए हो जाते हैं जो वैल्यू या कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। अभी क्वेश्चन को देखते ही बता दिए होंगे कि यार अनुभव बेस पे या किए होंगे तो वन ही आना चाहिए, कैसे तो देख लेंगे। आप इसमें बस क्या कीजिएगा कि 90 माइनस थीटा को अच्छे तरीके से यूज करना जान गए, अगर यू 90 माइनस थीटा को यूज अगर बेहतरीन तरीके से करना सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस आपको दो चीज ध्यान रखना होगा, एंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस प्रकार से कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है बच्चों टैन थीटा होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक बार के तो करना ही पड़ेगा ना, कॉट 30 है तो टैन में जाएगा, ये किस में जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60 कर देंगे तो 30 बन जाएगा, सॉरी कॉट 30 है और तो ये किस में जाएगा, टैन में जाए टैन में जाएगा, लेकिन इससे सामने एंगल कितना है 30, तो 90 में से क्या घटाएंगे 30 बनेगा, इस चीज को क्लियर करना होगा। उसी प्रकार से कॉट है तो कॉट भी जाएगा टैन में, 75 है तो उसमें से क्या घटाएं कि वो 75 आ जाए, इटमीन्स 15 घटाएंगे। इन चीजों को एक बार कर लेंगे, हाँ फेर बदल जो कर रहे हैं ना वो एक एक या तो ऊपर करेंगे या तो नीचे ऊपर या तो ऊपर करेंगे या तो नीचे करेंगे, ठीक है ये हिसाब से करेंगे, आधा इसमें करने लगे इसमें कर दिए नहीं तो ये गलत हो जाएगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा कन्वर्जन का। चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। अब आपके सामने दिया है कॉट 30 डिग्री, अब इसके सामने आप करेंगे कॉट 90 माइनस 60, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉट 75 डिग्री का वैल्यू, ये होगा कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, ये हो जाएगा टेन 15 डिग्री। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे, पुट अप करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों का, कॉट 30 जगह हम रख देंगे टेन 60 को और हम रखेंगे कॉट 75 की जगह पे टेन 15 डिग्री को, यहाँ से हम वैल्यू को रख रहे हैं और नीचे जो रखा है टैन 15 डिग्री माइनस टैन 60 डिग्री। अच्छा देखिए आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ से जो चीज़ें हो रही है ना माइनस को अरेंज करना होगा, अगर माइनस लेंगे तो ये टैन 15 हो जाएगा, यहाँ से माइनस ले लीजिए ये 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस टैन 60 हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस को कॉमन ले लिया। ओहो सॉरी, ये माइनस आ गया और यहाँ भी टेन 60 माइनस, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होकर -1, और इसका रिजल्ट जो होगा -1 हो जाएगा। ये चीज़ आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चलिए देख लेते हैं, आपको यह वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है कि सेक 4 माइनस टेन टू पावर 4 थीटा के वैल्यू बताना है। चलिए
देखिए इसमें आपको यही चीज यूज करना होगा, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू वन प्लस बी। इसे यूज कर लेंगे तो बहुत जल्दी इसको रिजल्ट को अचीव कर लेंगे, इसलिए मैं इसी को यूज करूंगा। थोड़ा सा सेट कर लूंगा ऐसे करके, सेक 4 थीटा, इसको ऐसे करूंगा सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको करते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर, इस पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा स्क्वायर रहेगा। हाँ अब आपको एक चीज और ध्यान रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए तो इसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे। सौ समीका से आता है, सौ समीका का देखिए, इसमें सौ समीका पे क्वेश्चन आ गया और ये सेशन में पूछा गया है 2021 के आसपास पूछा गया। इस तरीके से आपने बहुत आसानी से ये, बस आपको कॉन्सेप्ट पते हैं, क्वेश्चन थोड़े बहुत किए हैं तो आप बहुत आसानी से इस चीज को लगा लेंगे। देख लीजिए इसका वैल्यू दे रखा है 1 × 7/12, ये आज रिजल्ट आएगा 7/12। एक लास्ट में और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बस देखिए एक चीज को बदलेगा, या तो ऊपर बदलेगा या तो नीचे बदलेगा। 90 − θ का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देख लीजिए। अब cos 90 − θ sin θ बदल जाएगा, ये हम लोगों ने अब तक सीखा है। cos 90 − θ जो होता है sin θ होता है। इसी प्रकार से cos 8 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, cos 8 को हम लिखेंगे 90 − 82 डिग्री। यदि घट के 8 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से एक फायदा मिल जाएगा कि cos 8 डिग्री की वैल्यू होती है वो sin 82 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या लिख लेंगे, cos 24 डिग्री की वैल्यू, cos 24 जो वैल्यू लिखेंगे ये जगह cos 90 − इसमें से घटा देंगे 66 डिग्री को, ये जगह sin 66 डिग्री। अब क्या बचा, अब बचा है cos 66 बचा है जी। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल, हमें जानकारी में है, जो जानकारी में नहीं है उसमें हम समरी लेसन बनाते हैं। cos 66 डिग्री, इसमें से हम अगर 90 − 24 कर दें, देखिए कैसे कर रहा हूँ, कोई ना कोई इसमें खुद ही रिलेशन बता देता है, जोड़ने पे 90 आ ही जाता है, वो खुद ही बदलता रहता है। cos 90 − θ ये हो जाएगा sin 24 डिग्री। एक और लास्ट में cos 82 डिग्री, इसको हम बोलते हैं cos 90 − 8 डिग्री, ये हो जाएगा sin 8 डिग्री में बदल जाएगा। cos 82 डिग्री कन्वर्ट होता है sin 8 डिग्री में। अब यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से रिजल्ट निकलने लगा हमारा, cos 8 डिग्री बदले हैं sin 82 डिग्री में, देख लीजिए। अच्छा जी, cos 24 डिग्री रखे हैं sin 66 डिग्री में, sin 66 डिग्री में, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, ये भी रख लिए। और पूछा cos 66 डिग्री का मान sin 24 डिग्री में बदलता है, sin 24 डिग्री में बदलता है, cos 82 डिग्री का मान बदलता है sin 8 डिग्री में आ रहा है, लिख लेंगे। नीचे जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे, sin 82 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री। हाँ ये इसकी मान होता है √3/2। sin 24 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे sin 8 डिग्री दे रखा है, जो कटेगा उसको कैंसिल आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए कट देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये जो है इससे कट,
और ये जो इससे कैंसिल आउट क्या बचा, 1/2 √3/2। यहाँ से ये बचा, इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे, 2/√3, ये आ जाएगा 1/√3। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। देखिए कितने आसानी से ये रिजल्ट हमें मिल गया। ये रिजल्ट जिस सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है, देखिए कितने आसानी से हमें ये रिजल्ट मिल गया है। यही क्वेश्चन सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है और देखने में थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। और इसको हम पैटर्न वाइज कर लेते हैं और अपना कीमती सजेशन आप दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर आप सभी का।